नमस्कार, आप देख रहे हैं एमटीवी न्यूज और आज की रिपोर्ट आपको जनपद बरेली से बता दें। बरेली के ब्लॉक भतपुरा के ग्राम पंचायत अंबरपुर में पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार माननीय भगवत शरण गंगवार ने किया जनसंपर्क। साथ में पूर्व जिला पंचायत सदस्य रविन्द्र गंगवार और पूर्व जिला पंचायत सदस्य मुक्ता प्रसाद दिवाकर, टीटू गंगवार, पूर्व प्रधान हर प्रसाद पटेल और पूर्व प्रधान सुरेंद्र गंगवार, अमर सिंह यादव, सुरेंद्र कश्यप, महेश गंगवार आदि मौजूद रहे। जिला संवाददाता विकास गंगवार की रिपोर्ट। आपका बहुत स्वागत हमारे चैनल में, धन्यवाद। सर, जानना चाहेंगे जो आगामी विधानसभा सर चुनाव आ रहा है, इसमें आपकी पार्टी अपने दम पे चुनाव लड़ेगी या किसी से कोई गठबंधन के संबंध में लड़ेगी? ये वैसे तो माननीय अखिलेश यादव जी का विषय है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, लेकिन जो दौर चल रहा है, एक राय के, एक एजेंडा वाले, लगभग एक सोच वाले लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो हम लोग भी बहुत सारी पार्टियों से गठबंधन कर रहे हैं जो हमारी राय में राय मिला के चलते हैं। सर, आपको भी राजनीति में लंबा अनुभव रहा है सर, और लगातार लगभग 5 बार आप नगाँव से विधायक रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं सर, तो इस बार आपका चुनाव में सर मतलब माहौल कैसा लग रहा है आपको? नहीं, चुनाव तो जीतने के लिए लड़ा जाता है और नवाबगंज के लोग कह रहे हैं हम जीत रहे हैं, ये हमारे कहने ना कहने का विषय नहीं है, ये तो नवाबगंज के लोग और आप तो रात दिन अपने चैनल के माध्यम से लोगों की राय मशवरा ले रहे हो, वो बात अलग है, आप ना दिखाओ उतनी बात को, जीतने वाला सब काट दिया और बाकी का दिखा दिया। नहीं सर, मीडिया का कुतंत्र निष्पक्ष दिखाने का होता है, सही मीडिया वाला सर है तो उसको निष्पक्ष ही दिखाना पड़ेगा। नहीं, एक पैसे वाले के लिए आप लोग जता रहे हो। जो अपने साथ किराए के लोग लेके जाते हैं, किराए की 20 गाड़ियाँ लेके जाते हैं, यहाँ तक कि नाश्ता भी अपना ही लेके जाते हैं, तो वो करने को मिलता है। अब यहाँ देखेंगे आप लोग कि इस गांव के लोग कितने प्रेम से हमें नाश्ता कराते हैं, हम कुछ लेके नहीं आए। सर, अभी बारिश में सर जो किसानों का नुकसान हुआ है, फसल चौपट हुई, सर इसके लिए सर क्या कहेंगे? जरा चुप रहे भाई। कल सुबह घर से निकले और जो बारिश का तांडव देखा, आंखों में से आंसू निकले आए, और आंसू इसलिए नहीं, एक बात समझ में आई कि साहब नवाबगंज के लोग ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के लोग और देश के जिन हिस्सों में बरसात हुई है वहाँ का किसान बर्बाद हो गया, और उस समय बर्बाद हुआ जो यहाँ की जो सरकारें हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की हो चाहे देश की हो, उसे किसानों से कोई मतलब नहीं। हमें याद है 6-7 साल पहले ओले पड़े थे, और ओले पड़ने के दूसरे दिन जब सवेरे को पेपर देखा तो अखिलेश यादव जी का स्टेटमेंट था कि किसानों के लिए लिखा, किसान आज की घड़ी बहुत ख़राब है लेकिन सरकार किसानों की है और किसान बहुत चिंता ना करें, हम उन सरकार उनके साथ खड़ी है। लेकिन आज 2 दिन बीत गए लेकिन इस सरकार के कान पर जू नहीं रहेगी कि किसान आज की तारीख में कितना दुखी है। अभी हम होके आए, छोटे छोटे बच्चे, औरतें, लड़कियाँ